तू तू तो छपरी है भाई। तू तो छपरी है भाई। तो फिलहाल यार मैं आ चुका एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। एंड गाइस जंप कर दी थी नोवो में एंड चारों तरफ बहुत सारे बंदे थे। एंड एक मजे की बात आप लोगों में बताऊं कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने कुछ रिएक्शन देखे होंगे, कोई मुझको छपरी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो ये रिएक्शन किस लिए थे, क्योंकि मैंने अपनी आईडी का नाम रख दिया छपरी यूट्यूबर। एंड गाइस आज की ये वाली वीडियो में आपको बेहद ज़्यादा मजा आएगा। अब जैसे ही नीचे कूदते हैं, हाथ में शॉर्ट गन थी, चारों तरफ बहुत सारे बंदे थे एंड एक बंदा हमारा डाउन हो जाता है। अब यार इस वाले बंदे को जैसे ही मैंने नोक डाला तो इतने में पता लगता है कि मेरा 3 नंबर जो बंदा था वो नोक हो चुका है। तो उसको बचाने के लिए मैंने यही सही समझा कि यहाँ फाइट लेने से बेहतर उसको रिकॉल करना ठीक रहेगा, क्योंकि कवर के लिए बंदा चाहिए होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बिना फाइट लिए। एंड जैसे ही वापस आते हैं हम लोग तो यहाँ पर बंदे सामने खड़े थे। अब ये वाले बंदे को मैंने जैसे ही नोक डाला था एकदम मेरी जोस्टिक फंसी और मैं एकदम थमसा गया था। अब फिलहाल बंदों की फायर कम नहीं हुई थी क्योंकि उसके बाकी बचे कुछ बंदे अभी पीछे से पूरा हमला हम पर कर रहे थे। तो फिलहाल उन बंदों को भरने की बारी। अब यार जैसे यहाँ पर आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि एक बंदा सामने नोक पड़ा हुआ है और वो नोक मेरे ही टीममेट ने मारा था। तो यहाँ पर मैं दिमाग लगाता हूँ कि एक की जगह 2 की लिए जाए तो उससे अच्छी क्या बात। अब मैं इंतजार करता हूँ उस बंदे के रिवाइव होने का। एंड गाइस ये वही बंदे थे जो प्लेन पर मुझको उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो फिलहाल इनको भरते हैं यार। अब यार इन वाले बंदों के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरी हुई और इनकी बंदों की लूट के साथ साथ इनके कपड़े तक मैंने चुरा लिए। अब फिलहाल मम्मी सूट पहनकर एकदम खतरनाक सीन लग रहा था चारों तरफ का। एंड गाइस तभी अचानक से एक मोली आकर मुझे ऊपर पड़ती है। Watch out. अब यहाँ पर मैंने सही मौके का इंतजार किया और उस बंदे को भर दिया, बट एक लेफ्ट में बंदा अभी भी प्रोग्राम सेट कर रहा था। Watch out! अब इस वाले एनिमी और मैंने दोनों ने सेम काम किया। दोनों का दिमाग एक ही जैसा चल रहा था क्योंकि उस बंदे ने भी नेड इसीलिए किया था कि मैं थोड़ा डैमेज हो जाऊं और मैंने भी नेड इसीलिए किया था कि वो थोड़ा डैमेज हो जाए मैं उसको भर दूं, बट वो मेरे हत्थे चढ़ गया। अब फिलहाल यहाँ के सारे बंदे साफ हो चुके थे एंड कुल मिलाकर मेरे 6 किल हो चुके थे। एंड यहाँ से निकलने के बाद जो मेरे साथ सीन खराब होने वाला है वो बहुत गंदा होने वाला है भाई साहब। एंड गाइस वीडियो अभी तक जिसको भी अच्छी लग रही है तो लाइक एंड जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट लिख के जरूर बताना आप लोगों को ये गेम प्ले अभी तक कैसा लग रहा है। तो फिलहाल हम जैसे यहाँ पर अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ कर निकलते हैं तो भी एक गाड़ी मुझको दिखाई देती है और स्प्रे देखो सड़ा हुआ। तो यार यहाँ पर मैं अपनी कार से इसलिए उतरा था क्योंकि इन बंदों को मैं कार से उतार सकूँ, बट यहाँ पर मेरा स्प्रे इतना ख़राब था और उसी के साथ साथ हमारे अराइजन ने अलग जाके फाइट ले ली भाई सब। इसको बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। एंड गाइस हमने सब ने एक साथ मिलकर उसके ऊपर अपना कवर बनाया। एंड गाइस जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं
अब मैं यहाँ पर थोड़ा इसलिए भटक गया था क्योंकि मैं सोच रहा था मुझको कवर देने वाला कोई है। अब इतने में एक गाड़ी यहाँ पर और आ जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने ऊपर से जंप की एंड इसको लेकर मेरे टीममेट्स ने मुझे बहुत सुनाया। अब फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद मैं पोजिंग की रिकॉल टावर पर रिकॉल हुआ एंड गाइस जैसे ही स्कूल की तरफ हम बंदों को मारने जा रहे थे अब इस वाले अकेले बंदे को तो मैंने बहुत आराम से भर दिया था, बट जैसे हम स्कूल अपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर बंदों की तो कमी होने वाली है ही नहीं। एंड गाइस वहाँ पे इतने किल मुझको मिलने वाले हैं, इतने के जितने बंदे होंगे सारे के सारे किल मुझको मिलने वाले हैं। तो देखो यार, पापा की परी ने बग्गी तो बहुत गलत जगह पर ठोक दी थी, पर फिलहाल फाइनली उस बंदे को मैंने मार दिया। एंड गाइस उसका अभी एक बंदा वहां पर रिवाइव करने उसको आ जाता है, तो उसको भी देखो यार मैं कैसे भरता हूँ। अब यार ये वाला बंदा बहुत बेफिक्री के साथ इस बंदे को रिवाइव करने बैठ गया था। एंड गाइस ये वाली फाइट अभी यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि अभी स्कूल में बंदे तो भरे पड़े हैं। एंड गाइस वहाँ पर कितने बंदे मुझको कितने किल मिलने वाले हैं इस सबको देखकर आप लाइक तो करोगे ही करोगे एंड कमेंट में लिख के जरूर बताना कि ये किल किस तरह से मुझे मिले और कैसे मिले और कितनी जल्दी मिले। अब फिलहाल जैसे हम स्कूल पर आते हैं एक बंदा स्पॉट हुआ। अब यार बाहर से तो लग रहा था एक ही बंदा अंदर है, अब जैसे ही अंदर आए तो बंदे तो ऐसे लेटे हुए थे जैसे कि यहाँ पर चद्दर बिछी हुई है और आराम से सो रहे हों। अब फिलहाल इस बंदों को मारने के बाद ऊपर एक बंदा और लेटा हुआ था। अब फिलहाल स्कूल खत्म, डिग्री कॉलेज की बारी। अब जितने भी बंदे उनकी हमने खूब मारी, तो फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद इन बंदों की सबकी पेटी बनाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। एंड गाइस जितने भी बंदे सामने पड़ने वाले हैं उनको किस कदर हम लोग भरने वाले हैं वो देखो यार। अब ये जो बंदा था जो बग्गी का उतरते ही मारा था तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था और उसका माइक जो है ओल पर था तो उसकी सारी आवाज़ें मुझको आ रही थी। तो मेरा मन कर रहा था अभी सामने वाले को मारने ना जाऊँ, इसकी पूरी कहानी सुनूँ जितनी भी आत्मकथा है। पर फिलहाल सामने बंदे इस बात को बाद में रखते हैं एंड सामने वाले बंदों को पहले भरते हैं। अब भाई यहाँ का सीन ऐसा था, मेरे आने से पहले मेरे टीममेट ने सारे बंदे आपस में बांट लिए। अब फिलहाल कुछ बंदे और पीछे की साइड से आ जाते हैं। अब ये वाला स्प्रे आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जोन पीछे से आ चुका था, बंदे और आगे से हम लोगों को मार रहे थे और मेरे टीममेट्स यहाँ पर चूतियापे पे चूतियापा कर रहे थे। कभी कोई नोक हो जाता था कभी कोई, तो फिलहाल मैं अपने एक बंदे को उठाता हूँ और जैसे ही जोन की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ तो वो भी नोक। तो फिलहाल दुविधा में फंस चुका था मैं अकेला। अब यहाँ की स्थिति देखकर मुझको ऐसा लग रहा था कि हम लोगों में से एक भी बंदा नहीं बचने वाला है, तो तभी मेरे को पता लगता है मेरा अभी एक बंदा
जोन के बाहर आके नोक हुआ है। तो मैं भाग दौड़ कर उसके पास पहुंचता हूं एंड उसको बचाने की पूरी कोशिश करता हूं और उसको यहां से लेकर निकलता हूं। तो सामने पोचंकी में बहुत सारे बंदे भरे हुए थे एंड सीधा बग्गी हम ठोकते हैं पोचंकी के अंदर और वहां का सीन बहुत ज़्यादा कैंपिंग वाला होने वाला है। अब यार ये छत पे चढ़ा बंदा तो मेरे हाथ से चढ़ गया एंड इसको फिनिश करने के लिए जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो 3 बिल्डिंग में एक और बंदा कैंप करके बैठा हुआ था। अब यार मेरा ये टीममेट एंड ये वाला बंदा दोनों थोड़ा साइलेंट टाइप के थे, दोनों एक दूसरे को देखकर खड़े हो गए, पता नहीं भाई देख क्या रहे थे एक दूसरे को। अब फिलहाल इसको मैंने रिवाइव किया एंड इस छत पर जैसे चढ़ता हूँ तो मैंने अपने बंदे को पहले अलर्ट कर दिया था कि पीछे की तरफ अभी भी एक बंदा बचा हुआ है क्योंकि पिछला वाला बंदा अभी भी कैंप ले रहा था। जैसे ही मैं आता तो मुझको यहाँ पर थोड़ी पड़ी एंड उस बंदे की लोकेशन मुझको मिल गई एंड उसको हम पेलते हैं। अब मेरे इस वाले बंदे का किल भी मेरे ही टीममेट ने चुरा दिया था और मेरे 20 किल थे और मुझको यहाँ पर बिल्कुल भी शक नहीं था कि पीछे एक बंदा अभी भी एक बंदा कैंप कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा गेम फाइनल होने वाला है एंड आप लोग देखो यार मैं कितनी गंदी मौत मरने वाला हूँ। अब यार डेथ रिप्ले में आप लोग देखो इस कैंपर ने कितनी गंदी हरकत से मेरे को मारा, मतलब इतनी गंदी कैंपिंग करके कौन मारता है भाई। इस बंदे को पहले मैं दिखा भी नहीं था और जब मैं दिखा तो इसने मतलब क्या यार हद है यार ऐसी कैंपिंग से भी। तो फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना एंड गाइस, वीडियो अच्छी है तो लाइक एंड अपने 20 स्किल थे और बाकी बच्चे कुछ अपने टीममेट्स के थे। तो फिलहाल वीडियो में आप लोगों को मज़ा आ ही गया होगा एंड कमेंट में लिख के जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, लव यू।